अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद आलिफ चौहान और मैं amana.com से बिलोंग करता हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एक इंतहाई एक्साइटेड न्यूज़ लेके आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वाल्टन एयरपोर्ट को लाहौर स्मार्ट सिटी की साइट के बिल्कुल नज़दीक शिफ्ट करने की तजवीज़ दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल नज़दीक लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है। वाल्टन एयरपोर्ट के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूं, तो वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर में वाकई 91 ईयर्स ओल्ड एक एयरपोर्ट है, जो कि लाहौर की फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर वाक़ है। और उसका जो बेसिक पर्पज़ ये है कि उसके अंदर जो है डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस और इस तरह के डिफरेंट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं, समटाइम जो है निजी फ्लाइट्स भी लैंड हो जाती हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है उसके पास इसको शिफ्ट करने का बेसिक मकसद ये है कि जो वाल्टन एयरपोर्ट की 22 एकर्स की ज़मीन है, उसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक जो सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनाने का सोच रहे हैं, जिसकी मंजूरी हो गई है। और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल या एक दो दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उस कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट का इफ्तिताह भी कर दें, तो जो कि आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल पर देख भी लेंगे इंशाल्लाह। तो अगेन पॉइंट यह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल करीब लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, और उन जो वाल्टन एयरपोर्ट के लिए जो लैंड एक्वायर की गई है वो ऑलमोस्ट जो है 600 एकर्स है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हबीब रफ़ीक ग्रुप है वो एक जाना पहचाना नाम है, वो जहाँ भी अपनी कोई सोसाइटी लॉन्च करने जा रहे होते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और उस प्रोजेक्ट की लोकेशन को चूज़ करने से पहले वो जो है उसकी प्रॉपर ये मार्केट स्टडी करते हैं और जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं। तो इन्होंने प्रॉपर एक मार्केट स्टडी की हुई थी और उनको पता था कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल नज़दीक जहां वो लाहौर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, किंग एडवर्ड कॉलेज, उसके साथ साथ UET का कैंपस, उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट शिफ्ट होगा, तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ साथ जो एंड यूज़र को ईज़ प्रोवाइड करने के लिए और उनको उनकी एक्सेस को ईजी करने के लिए उन्होंने इस लोकेशन का इंतखाब किया था। और ये बिल्कुल एक आइडियल लोकेशन बनने जा रही है वो उन लोगों के लिए जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपना घर बनाने जा रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल आइडियल लोकेशन है। और ये जो टाइम है, आजकल का जो टाइम है, वो बिल्कुल उनके लिए एक रीज़नेबल है और बिल्कुल मतलब अफोर्डेबल टाइम है। आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो क्योंकि फ्यूचर करीब में जब यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा, उसके साथ साथ जो कॉलेजेस बन जाएंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी, तो मेडिकल कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, तो उस टाइम इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है लाहौर स्मार्ट सिटी, लेकिन हमारा जो आपको बताने का मकसद ये है कि इसकी लोकेशन इतनी जो आइडियल लोकेशन है कि ये फ्यूचर करीब में बिल्कुल जो है ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या आपको जो है कोई अपना घर बनाना है या कोई प्लॉट परचेज करना है, अपने लिए अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो बिला झिझक हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के जरिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि www.amana.com, उसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल amana.com के साथ नाम से है, इसके साथ साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह प्रेजेंस है। आप किसी भी चैनल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स हम आपको कॉन्टैक्ट बैक कर लेंगे और आपकी क्यूरी को एंटरटेन करेंगे। क्योंकि हमारा जो कंसल्टेशन हम जो प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मशवरा जो है वो अमानत है। amanat.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।